दो बार बनी, मुरारजी भाई की भी सरकार बनी थी, मगर ज्यादातर लोग वो सरकार जिस पर निर्भर थी या तो सरकार में थी कहीं ना कहीं वही आइडियोलॉजी से आते थे। शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई और 7 साल से चल रही है। मगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। किसी भी व्यक्ति का आज का स्वरूप देखना है तो उसके आज के स्वरूप के आधार पर आकलन नहीं करना चाहिए। आज के जगह पहुंचने के पहले कितना बड़ा तपस्या, संघर्ष, त्याग, मेहनत कर वो वहां पहुंचा है उसको थोड़ा देखना चाहिए। मोदी जी के संगठन के काम और संगठन के बारे में, उनकी संगठन क्षमता के बारे में मैं कोई कहना नहीं चाहता क्योंकि ये आज का विषय भी नहीं, परंतु 2000 की साल में 2001 में भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला किया कि श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे। भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि शायद ही देश में कोई ऐसा सफल मुख्यमंत्री होगा जो मुख्यमंत्री बनने के पहले पंचायत का चुनाव भी न लड़ा हो, जिसको एक गांव चलाने का अनुभव भी नहीं था। और यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं जिसको कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां, कोई ऐसी बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी एमए है, कोई मैनेजमेंट या गवर्नेंस इस सारे विषयों से बिल्कुल अभिनग्न एक आदमी एक राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। और उस वक्त जब ये राज्य सबसे बड़े संकट में था, एक बहुत बड़े विनाशकारी भूकंप के बाद खड़ा होने का प्रयास कर रहा था, और नरेंद्र भाई जब गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने पूरी स्थिति को समझने का, देखने का प्रयास चालू किया और उन्होंने कई सारे बदलाव लाने का भी प्रयास किया। उस वक्त कोई नहीं मानता था कि नरेंद्र भाई एक सफल मुख्यमंत्री होंगे। बहुत सारा काम उन्होंने गुजरात के अंदर किया, पारदर्शिता पर काम किया, जिसको आप रिफॉर्म कहते हैं ये सुधार पर काम किया, मगर उनकी रिफॉर्म की व्याख्या आपकी बुकलेट में जो है वो नहीं है। जो परिस्थिति को बदल सकते हैं उसको रिफॉर्म कहते हैं, जो बदलाव सिस्टम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति को पद्धति को बदले उसको रिफॉर्म नहीं कहते, जो जमीन पर परिस्थिति को बदले उसको रिफॉर्म कहते हैं। शायद रिफॉर्म शब्द अपने आप में रिफॉर्म की व्याख्या को भाषांतर की दृष्टि से मैं कहूं तो व्याख्यायित नहीं करता, मगर रिफॉर्म परिस्थिति को बदलने के लिए है, पद्धति को बदलने के लिए नहीं होते हैं। और वो नरेंद्र मोदी जी बहुत भली भांति जानते थे और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म भी किए, आर्थिक शिस्त लाने का भी प्रयास किया, जीरो डेफिसिट बजट बहुत साल के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और उन्होंने वहां पर सबसे बड़ी बात थी सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत की। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विकास की परिधि ऐसी होनी चाहिए जो सर्वसमावेशक हो और विकास की रीच ऐसी होनी चाहिए जो सर्वस्पर्शी हो, हर व्यक्ति तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और सबको समाहित करे। इस प्रकार का विकास का एक मॉडल उन्होंने करने की शुरुआत की। और कोई भी विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरियात होती है शिक्षा की। मुझे अभी ट्रोल किया गया था मगर मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि अनपढ़ों की फौज लेकर कोई देश विकास नहीं कर सकता, उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी शासन की है, वो तो विक्टिम है। जो व्यक्ति संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों को नहीं जानता है, संविधान ने अपने पर जिस कर्तव्यों को डाला है
उसको नहीं जानता है, वो देश के विकास में सहभागिता जितनी की जा सकती है इतना नहीं कर सकता। मगर उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन कर दिया मेरी बात का कि मैं अनपढ़ व्यक्ति के खिलाफ हूं। मैं अनपढ़ व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, वो तो इस सिस्टम का विक्टिम है, मगर उसको पढ़ाने का प्रयास करने का शासन का दायित्व है, और मैं मानता हूं ये दायित्व पूरा नहीं कर सकता है, वो उसका गुनहगार है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री बने, तब मैं प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा हूं, लगभग 67% एनरोलमेंट था और 37% ड्रॉप आउट रेशियो था। तो 70% आप मान लो, उसमें से 40% ड्रॉप आउट होता है तो आप आ जाते हो 40%। ये जमाने में भी 60% लोग अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। उसमें कोई बड़े सर्कुलर निकारे बगैर उन्होंने एक कार्यक्रम, स्कूलें तो बनी हुई थी, शिक्षक भी थे, उन्होंने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम लिया, जेंडर रेशियो और बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम, और एक शेड्यूल बना दिया कि शिक्षा के अभियान के लिए मुख्यमंत्री से लेकर पटवारी तक सारी शासन व्यवस्था 7 दिन 45 डिग्री टेम्परेचर में गांवों में जाकर एक दिन में 5 स्कूलों में प्रवेश महोत्सव करेगी। और उसके बाद में 7% एनरोलमेंट तो हो गया, बाद में क्या ड्रॉप आउट हो जाएगा? तो माताओं की एक समिति बनाई हर स्कूल में, जिसका अध्यक्ष वो स्कूल में जो महिला शिक्षिका होती थी उसको बनाया, और जो बच्ची या बच्चा नहीं आता था वो माताएं उसके घर पर जाकर समझाकर लाने का काम करती थी, और ड्रॉप आउट रेशियो को 67% से 0 और 1 के बीच में लाने का काम किया। और जब ये उपक्रम 6 साल तक स्थायी हुआ, उसमें गुणवत्ता पर जोर देने के लिए गुणोत्सव नाम से एक कार्यक्रम किया, जिसमें सारे लोग जाकर प्राथमिक शाला जो है सरकार की, जिसकी गुणवत्ता के लिए बहुत सारे सवाल उठाए जाते थे, उसकी गुणवत्ता को ऊपर उठाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया गया, और धीरे 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 देखते हुए आमूलचूर परिवर्तन हुआ। ये उन्होंने सबसे पहले किया। मुझे याद है, मैं विधानसभा में बैठा था, कोई आयोजन नहीं था, कुछ नहीं था, एक विधायक खड़ा होकर बोला कि मोदी जी, और ये कोई मोदी जी को पर्सनली नहीं था, सालों की समस्या थी, उन्होंने कहा मोदी जी, मैं गुजराती में बोलता हूं, वारू वक्ते तो लाइट आवे वो करो, मतलब शाम के भोजन के वक्त बिजली रहे इतना तो करिए आप, वो 2 घंटा रहे। अब जवाब देना था मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा थी, जवाब में उन्होंने कह दिया कि पूरे गुजरात में मैं 24 घंटे बिजली दूंगा। और उस वक्त मुझे ठीक याद है, मैं भी अचंभित था, भाषण समाप्त होने के बाद उनके ऑफिस में गया था, लीडर ऑपोजिशन उनको मिलने आया, अमर सिंह भाई चौधरी जो इंजीनियर थे और बिजली विभाग में ही काम कर रहे थे पहले, उन्होंने कहा नरेंद्र भाई आपने ये गलत स्टेटमेंट कर दिया कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, हो ही नहीं सकता। नरेंद्र भाई ने कहा मेरी इच्छा थी, मैंने बोल दिया, ईश्वर मदद करेगा, रास्ता ढूंढेंगे, मुझे लगता है हो जाएगा। और मित्रों, उन्होंने एक नया रास्ता निकाला, एग्रीकल्चर ग्रिड और जो घरों में बिजली देने वाली ग्रिड है, दोनों को पूरे देश के अंदर अलग किया, और आज पूरे देश भर में सबसे पहले 24 घंटा बिजली मिलने का काम हमारे गुजरात के अंदर शुरू हुआ। एक भी गांव ऐसा नहीं जहां 24 घंटा बिजली नहीं हुई, और बिजली जाते ही ढेर सारी समस्याओं का समाधान हो गया। गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी, उनका जीवन स्तर ऊपर आया, गांव के अंदर से पलायन जो शहर की ओर होता था वो पलायन अटक गया, गांव के अंदर छोटे छोटे बिजनेस शुरू हो गए, पहले ट्रैक्टर रिपेयर करने वाले का कारखाना कहो या
छोटा सा वर्कशॉप कहो, वो तहसील सेंटर पर ही होता था, अब गांव के अंदर होने लगा। आइसक्रीम की दुकानें ही नहीं लगती थी, बिजली जाते ही आइसक्रीम पिघल जाता था, आइसक्रीम की दुकानें लगने लगी, लोगों को वहां पर भी ऐसी ढेर सारे आप कल्पना ही नहीं कर सकते। गुजरात के गांवों में आमूल चूर परिवर्तन केवल और केवल बिजली के कारण आया, मगर ये किसी की सोच नहीं थी न किसी का विचार था। कृषि को भी विकास के साथ जोड़ना चाहिए, तभी ही विकास परिपूर्ण होता है। भारत देश में कोई भी अर्थशास्त्री अगर ये सोचता है कि हम कृषि को साइड पर रखकर विकास कर पाएंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी रोजगारी का जरिया ही आज भी कृषि है। देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। नरेंद्र भाई ने कृषि की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए कृषि महोत्सव शुरू किया। किसान बीज लेने के लिए सरकार के वहां जाता था, सरकार बीज देने के लिए उसके यहां पहुंच गई। किसान कोई भी योजना के लिए तहसील और जिले में धक्के खाता था, सरकार उसके यहां पर। गुजरात के 19 के 19 हजार गांवों के अंदर पूरी सरकार पहुंचकर उसको जो सरकार को देना था किसान को, वो एक ही समय अखातरीज के दिन देना, इस प्रकार की व्यवस्था करी। वो यात्रा अखातरीज से लेकर 11 दिन चलती थी। हमारे यहां गुजरात में कृषि की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन करते हैं और उसी दिन से किसान अपनी तैयारी करता है। तो कृषि महोत्सव किए, लगभग 10 साल तक चले, और मैं आपको कहता हूं किसी भी राज्य ने उस जमाने में 2000 की बात करता हूं कंटिन्यूअसली सातत्यपूर्ण तरीके से 10 साल तक 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अचीव नहीं करा था। गुजरात ने 10 साल तक 10% एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट दो, जैसे मैंने कहा सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशक होना चाहिए। गुजरात में दो क्षेत्र ऐसे थे, एक वन क्षेत्र था जहां हमारे आदिवासी भाई रहते थे, पहाड़ पर रहते थे, वनों में रहते थे, और दूसरा सागर किनारा गुजरात का बहुत बड़ा है, बॉर्डर एरिया बहुत बड़ा है। तो दो क्षेत्र के अंदर विकास नहीं पहुंचा था। ये दो क्षेत्र के अंदर विकास को पहुंचाना बहुत जरूरी था, वरना हम कह ही नहीं सकते कि हमने सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास के मॉडल को स्वीकार किया है। इसलिए उन्होंने सागर खेड़ू योजना, वन बंधु कल्याण योजना, दो योजनाएं लाए और व्यक्ति, गांव, क्षेत्र और फिर राज्य, चार प्रकार के विकास के कार्यक्रम दिए, जो व्यक्ति को भी एम्पावर करता था, गांव की सुविधाओं को पूरा करता था, और एजुकेशन और हेल्थ के बारे में क्षेत्र की सुविधाओं को पूरा करता था, और वो राज्य के विकास के अंदर कंट्रीब्यूट करता था। ये सभी योजनाओं का अध्ययन करने वाले लोगों के लिए ये मॉडल अध्ययन करने जैसा है, आज भी उपलब्ध है गुजरात सरकार की साइट पर, वन बंधु कल्याण और सागर खेड़ू कल्याण योजना, उसका एक बार अध्ययन करिए आप। इसके अंदर रोजगारी भी है, शिक्षा भी है, इसके अंदर कृषि भी है, उसके अंदर इसके परंपरागत रोजी के जैसे मछुआरों के लिए है, और इस प्रकार की मधुमक्खी पालन है, महुड़ा का पान, मतलब ये वन उपजों का, आदिवासियों का काम, सारी चीजों को जोड़कर ये बनाया। और ये दो योजनाओं को उन्होंने थ्रस्ट का विषय बनाया, और आजादी के बाद, संविधान बनने के बाद, गुजरात एक ऐसा राज्य है जो आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार दिया है कि जितनी इतनी उनकी आबादी है उतना प्रतिशत बजट का आवंटन उनको हो, कहीं पर नहीं होता था। सबसे पहले गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने आबादी के अनुपात में आदिवासियों के विकास के लिए पैसा वन बंधु कल्याण योजना के तहत। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।